नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी की नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और वर्तमान समय में पंचायतों में पंचायत सहायक के पद पर भर्ती गतिमान है और इसके संदर्भ में हमारे कई मित्र और सहयोगियों के द्वारा विभिन्न विषयों पर परीक्षा की गई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उन सभी जो है प्रश्नों को शामिल करते हुए इसके भर्ती की प्रक्रिया, योग्यता और अन्य सभी विषयों को जो है खंगालने के साथ साथ आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पंचायत सहायक के संदर्भ में वर्तमान समय में आवेदन पंचायतों में किया जा रहा है और पंचायतों के स्तर पर इसमें भर्ती की प्रक्रिया होगी। यद्यपि बाद में जिले स्तर पर उस सूची को अनुमोदित कर दिया जाएगा और पंचायत सहायक के पद पर जो है नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो उसके कई अन्य बिंदुओं को जो है देखना आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम उसकी बारीकियों, उसकी जो योग्यता अर्हता, उसमें किन लोगों को जो है शामिल करना, किन लोगों को मनाही किया गया है, उनका कार्यकाल, वेतन इत्यादि चीजों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके हम क्रमशः इस रूप में जो इसे देखने का प्रयास करते हैं। पंचायत सहायक पंचायती राज विभाग में जो है वर्तमान समय में जो है काम करने के लिए जो है भर्ती निकाली गई है और उस पर भर्ती की प्रक्रिया जो है गतिमान है। तो यहाँ पर योग्यता को देख लेते हैं। योग्यता दो रूपों में हो सकती है, एक तो शैक्षिक योग्यता है, एक शैक्षिक योग्यता है और दूसरा जो है उम्र के आधार पर योग्यता है। तो शैक्षिक योग्यता में इसमें जो है इंटरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है इंटरमीडिएट कैंडिडेट के साथ होना चाहिए और दूसरा उम्र के साथ जो योग्यता है वो 18 से लेकर के 40 वर्ष की आयु के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। 18 से लेकर के 40 वर्ष के आयु के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन इसमें आरक्षित वर्ग के लोगों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। 5 वर्ष की इसमें जो है वो छूट प्रदान की गई है, यानी कि ये इनकी आयु जो है 40 ज्यादा होगा तो भी 5 वर्ष की इसमें छूट दिया जाएगा। यह उम्र के आधार पर योग्यता और जो है छूट की व्यवस्था है। शैक्षिक योग्यता में इसमें इंटरमीडिएट की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। और अगर हम इसके काम को देखें तो यहां पर यह पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि से संबंधित इसका नाम सामने आता है। और यदि कंप्यूटर पर डेटा एंट्री से संबंधित काम करना है तो निश्चित तौर पर कर्मचारी को डेटा या कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी, परंतु इसमें CCC जैसे डिग्री के संदर्भ में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं की गई है, जबकि अन्य सभी प्रकार के सहायक, कनिष्ठ सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर सभी प्रकार के जो है पदों पर सरकार के द्वारा यदि भर्ती निकाली जाती है तो वहां पर CCC की योग्यता अनिवार्य की जाती है। लेकिन फिलहाल इस भर्ती के नोटिफिकेशन में इस तरीके के कोई भी जो है डिग्री होने का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता और उम्र के आधार पर जो है दो बातों की योग्यता हम लोगों ने देखा। चयन का आधार अगर हम देखते हैं तो चयन के आधार के लिए हाई स्कूल, प्लस जो है इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो है मार्क्स के आधार पर बने हुए गुणांक को ध्यान में रखते हुए वरीयता सूची बनाई जाएगी और उसमें अधिकारी या सबसे ज्यादा गुणांक वाले व्यक्ति को पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति दिया जाएगा। तो यहां पर आधार जो है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं। दूसरी तरफ प्रक्रिया के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं तो ये प्रक्रिया जो इसकी है वो विभिन्न आवेदकों के द्वारा उनके चयन की जो प्रक्रिया होगी वो ग्राम स्तर पर जो है प्रधान की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक समिति बनेगी। उस समिति के द्वारा इनकी भर्ती की जाएगी और वो सूची भर्ती की जो है वो जिले पर भेजा जाएगा और जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत जो है ये वहां पे भर्ती कर लिए जाएंगे और उसके बाद जो है ये पंचायतों में काम करना प्रारंभ करेंगे। तो प्रक्रिया जो है भर्ती की यही है कि आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद जो है प्रशासनिक समिति के द्वारा उन पत्रों का जो है परीक्षण उपरांत जो है अधिकतम मार्क्स प्राप्त करने वाले जो है व्यक्ति को या अधिकतम गुणांक वाले जो है अभ्यर्थी के नाम को जो है भर्ती और के लिए जो है आगे भेजा जाएगा और जिले स्तर पर अनुमोदनोपरांत जो है ये इस पद पर जो है भर्ती हो जाएगी। दूसरी तरफ वरीयता,
इसमें वरीयता की भी बात कही गई है कि यदि गांव में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से जो है, यदि किसी भी व्यक्ति का कोविड-19 से मृत्यु हो गई है तो उसके आश्रितों को जो है यहाँ पर भर्ती में मौका दिया जाएगा और उन्हीं की इसमें भर्ती किया जाएगा। लेकिन एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यदि किसी गांव में एक से अधिक कोविड-19 से मृतक व्यक्ति हैं तो वहां पर पुनः उन दोनों लोगों को वरीयता तो दिया जाएगा, लेकिन उनमें भी जिनके गुणांक ज्यादा होगा उसको यहाँ पर लिया जाएगा। शर्तों के अंतर्गत है इसमें ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सचिव, इन सभी लोगों के जो है निकट संबंधियों को जो है इस पद पर योग्य नहीं माना गया है। जैसे कहने का मतलब यह है कि उनके भाई, उनके बहन, उनकी माता, उनके पिता, इन सभी लोगों को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि ताकि दोनों ही पदों पर निष्पक्ष रूप से काम किया जा सके और शासन की मंशा के अनुसार जो नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन किया जा सके, उसको जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया जा सके। इसलिए शर्तों में जो है उनके निकट संबंधियों को जो है नहीं रखा गया है, उनके निकट जो संबंधी होंगे उन्हें इस पर जो है नहीं नियुक्त किया जाएगा। वेतन के संदर्भ में एक और चीज है यहाँ पे मैं बताऊंगा, निकट संबंधियों को तो नहीं नियुक्त किया जाएगा। और दूसरी इस संदर्भ में एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है, कि इनके लिए जो है 6000 की जो है धनराशि बनाई गई है, लेकिन यह वेतन ना होकर के ये जो है मानदेय की जो है श्रेणी है। अब यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि वेतन और मानदेय में क्या अंतर है। जब किसी भी पद पर किसी व्यक्ति की जो है परमानेंट या इस तरीके से स्थायी नियुक्ति होती है तो वहां पर वेतन दिया जाता है, और जब किसी भी व्यक्ति को कुछ पीरियड के लिए जो नियुक्त किया जाता है तो वहां पे मानदेय दिया जाता है। और इनके संदर्भ में भी पूरी तरीके से वही व्यवस्था, चयन की प्रक्रिया और उनके पद के स्वरूप के संदर्भ में शासन स्तर से जो है अपनाया गया है कि इन्हें जो है वेतन के बजाय मानदेय दिया जाएगा और यह जो है स्थायी पद ना होकर के एक तदर्थ किस्म का जो पद है जो एक निश्चित कार्यकाल के लिए जो है काम करेंगे और उसके एवज और बदले में जो है वो मानदेय प्राप्त करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मानदेय और वेतन तथा इसके आधार पर उत्पन्न जो है पद के स्वरूप, तदर्थ और अस्थायी के बीच में आपको अंतर जो है पता चल गया होगा। सातवें वेतन आयोग में वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति को परमानेंट पोस्ट पर भर्ती किया जाता है तो वहां पर एक शब्द आता है मैट्रिक्स लेबल, मैट्रिक्स लेबल, मैट्रिक्स लेबल आता है। और इस मैट्रिक्स लेबल का जो इनिशियल पे होता है यानी कि इंट्री पे होता है या पहला प्रक्रम का वेतन होता है वही जो है उसका प्रारंभिक वेतन होता है। अब किसी भी पद के संदर्भ में हो सकता है, यदि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में है तो उनके लिए जो है छठे जो है मैट्रिक्स लेवल में जो है पद रखा गया है, जिसे पूर्व में जो है बैंड लेवल और पे ग्रेड पे लेवल में ग्रेड पे जो है 42 में उनकी नियुक्ति होती थी। तो इसी तरीके से अलग अलग पदों की जो व्यवस्थाएं इसमें बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वेतन और पद के स्वरूप के संदर्भ में स्थिति आपको स्पष्ट हो गई होगी। अगली बात इसमें जो है वो कार्यकाल है, इन्हें वही सेम बातें हैं, वो दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। यदि परमानेंट पोस्ट होता तो निश्चित तौर पर इसमें कार्यकाल की बात नहीं कही जाती कि इनका कार्य क्या होगा, कितने वर्ष का होगा। तो यहाँ पर इनके लिए जो है एक वर्ष की जो है व्यवस्था बनाई गई है और पुनः एक वर्ष के बाद इनका जो है पुनः चयन होगा। यदि ग्राम पंचायत चाहे तो इन्हें जो है एक अगले वर्ष के लिए पुनः जो है एक वर्ष के लिए इनका जो है कार्यकाल और बढ़ा सकता है, इन्हीं के नाम क्या जो है अनुमोदन कर सकता है, तो ये पुनः जो उस पर जो है काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है योग्यता, चयन का आधार, प्रक्रिया, वरीयता, शर्तें, इनका जो है मानदेय जिसे कहा जाएगा, वेतन या यहाँ पे मानदेय अगर लिखा जाए तो इन्हें क्या मिलेगा, मानदेय मिलेगा, और कार्यकाल इनका जो है वो एक वर्ष रखा गया है। तो इस तरीके से जो है यह पंचायत सहायक का जो है पोस्ट है जो वास्तव में जो है उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले समस्त कार्यों की शासन स्तर पर सूचना प्रेषित करने हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे और इस रूप में पंचायतों की जो है सहायता करने का ये काम करेंगे। तो
उम्मीद करते हैं कि पंचायत सहायक के संदर्भ में जो वर्तमान समय में जो है शासन की मंशा के अनुरूप भर्ती गतिमान है, उसके विभिन्न प्रकार के पहलुओं को और आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों को अच्छी तरीके से मिल गया होगा। तो आज के लेक्चर में नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट के अंतर्गत बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।